देख के हंसती उसे जो उसे अच्छा लग रहा हो या प्यारा हो, मतलब क्या रोना जब है तो क्यों ना फिर सिविक वाले के लिए रोया जाए, क्यों 70 वाले कहाँ जाए, मर जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी रेगुलर बेस पर ओपन हो चुकी है, तो इसलिए सोचा कि हम क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो लड़के लड़कियों से पूछने में डरते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि डज हाइट रियली मैटर्स? बिल्कुल। क्यों, मतलब कोई लंबा हो या छोटा हो तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे? नहीं पसंद करूँ, लेकिन जो हाइटेड हो यार, हाइट वालों की बात अलग होती है। मतलब कितना होगा, 6 फीट हो? नहीं इतना हो कि मुझसे लंबा लगे। मतलब कितना लंबा, आपसे थोड़ा सा लंबा? इधर तक तो हो। अच्छा इधर तक, इधर तक हो, इतना ना। सही होगी, हील नहीं पहन सकती मैं भाई। सही है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपसे ये है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे आके कहे कि आप खूबसूरत लग रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन बहुत अजीब होगा, क्योंकि मुझे कभी नहीं अच्छा लगता कोई मुझे दूसरा आके ये बोले। हाँ मेरे दोस्त बोले वो अलग बात है, तो थप्पड़ पड़ेगा उसे। अच्छा थप्पड़ पड़ेगा अगर कोई आके कहता है? हाँ उसको लग रही है ना, मुझे क्यों बताएं। अभी तक किसी को आपने थप्पड़ मारा भी है? नहीं, मेरा दिल बहुत था मारू मैं किसी को, लेकिन वो भाग गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे वो ये है कि व्हाई डू गर्ल्स गो टू वॉशरूम इन ग्रुप्स? हम लोग जो है ना इसलिए जाते हैं ताकि जो हमारी चीज़ें, हमारे बैग्स हैं, हमारी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, तो हम किसी के जिम्मे छोड़ के जाते हैं कि यार इस चीज़ की तुम पे जिम्मेदारी है, तो हम वॉशरूम से होकर आते हैं। मतलब एक वो बैठता है चीज़ों के बाद, बाकी वॉशरूम जाते हैं। यही वजह है, इसीलिए हम लोग। और कोई रीज़न है इसकी? कोई गपशप लगाना लेक्चर से बोर होकर? कौन गपशप लगाएगा? नहीं गपशप या कोई मेकअप टच करना? हाँ वो करती हैं बहुत सी लड़कियाँ। अच्छा सही होगी, चलो थैंक यू। तो अभी यहाँ पे एक और लेडीज़ वॉक करती आ रही हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम एक क्वेश्चनर कर रहे हैं कि लड़कियों के ऐसे क्वेश्चंस जो लड़के पूछना चाहते हैं लेकिन पूछने से डरते हैं, तो क्या आप अपनी राय शेयर करेंगे हमारे साथ? जी बोलें। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डोंट यू वेयर द सेम क्लॉथ, लाइक दो लड़कियाँ एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? मतलब लड़के तो एक जैसी शर्ट पहन लेते हैं, लड़कियां इसमें कतराती हैं कि हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते। पास एक तो कपड़ों की वैरायटी बहुत होती है, उनको शौक होता है शॉपिंग का, उनका दिल करता है कि वो ढेर सारे कपड़े खरीदे। लड़कों को आई थिंक ये इन सब चीज़ों का कोई शौक वॉक नहीं होता। ओके, इसलिए लड़कियाँ सेम ड्रेसिंग लेकिन करती हैं, ट्विनिंग होती है, लेकिन वो अगर दिल से करें तो, मतलब शौक से करें, वरना लड़कियों का ज़्यादा इस तरह नहीं होता। सही। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक कि लड़कियां हमेशा ये क्यों कहती हैं इट्स ब्रांडेड, लड़के तो कहते हैं यार 150 की लाइए, 200 की लाइए, क्योंकि लड़कियां हमेशा हम ब्रांड कहते हैं। हम सच में ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और ब्रांडेड कपड़े ख़राब नहीं होते। लड़कों को मैंने कहा है ना कपड़ों का शौक़ नहीं होता, लड़कियों का तो शौक ही कपड़ों का है। तो आप मतलब कभी लंडन में नहीं गई शॉपिंग के लिए? मैं गई हूँ, ये नहीं कि मैंने गई नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं है कि अब मैं हर वक्त ये शो ऑफ करती रहूँ कि मैं ब्रांडेड, ऐसा नहीं होता। बहुत कम लड़कियाँ शो ऑफ करती हैं, लेकिन हाँ हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे है कि लड़की हंस के देख रही है या देख के हंस रही है, मतलब एक लड़के को लड़की देखती है हंस के या हंस के देखती है, तो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? जो लड़का बुरा लग रहा होता है, कोई अजूबा लग रहा होता है, तो उसे लड़की हंस के देखती है और देख के हंसती उसे जो उसे अच्छा लग रहा हो या प्यारा हो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लड़कियाँ बिल क्यों नहीं पे करती? लड़कियाँ ये तो डिपेंड करता है उस टाइम पे, लेकिन लड़कियाँ अक्सर बिल इसलिए पे नहीं करती क्योंकि लड़के ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं दूसरे के बिल पे, इसलिए लड़कियाँ बिल पे नहीं करती। और मैंने सुबह ही अपने फोटोग्राफर को जो है चाय पिलाई है। चाय आपने फोटोग्राफर को पिलाई है? हाँ मैंने पिलाई है। और अभी वो इधर ही खड़ा हुआ है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डज हाइट रियली मैटर्स? हाँ मैटर करती है, छोटा होगा तो साथ चलते हुए ये लगता है कि कोई बच्चा चल रहा है आपके साथ, और लंबा होगा तो लगता है खंभा लेके आप चल रहे हैं अपने साथ बॉडीगार्ड। तो आप क्या प्रेफर करती हैं कि लड़का मतलब आपकी हाइट को या आपसे थोड़ा सा बड़ा हो, या मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो? चले सही है, अच्छा है। अच्छा तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई डोंट यू गर्ल्स टेक्स्ट फर्स्ट, लड़के ही हमेशा क्यों आपको पहले टेक्स्ट करें? लड़कियाँ थोड़ी यू नो ईगोइस्टिक होती हैं ज़्यादा, तो उनमें ईगो फैक्टर होता है कि शी ऑलवेज वांट यू नो कि सबसे पहले लड़का ही करे जो करे। तो हमेशा लड़के ही टेक्स्ट करेंगे या लड़कियाँ कभी करेंगी? आई डोंट थिंक सो लड़कियाँ कभी करेंगी, पर अगर बहुत ही कोई यू नो बहुत ही प्यार में अंधी वाला पागल वाला सीन हो तो फिर मैं लड़कियाँ कर सकते हैं। आपसे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिविक या 70? ऑब्वियसली सिविक। क्यों, लेकिन 70 वाले कहाँ जाएँ, मर जाएँ हम? यार द थिंग इज के एंड में रोना ही है सब, तो व्हाई नॉट सिविक।
सिविक में क्यों ना बैठ के रोया जाए, 70 पे ना रोया जाए। रोना जब है तो क्यों ना फिर सिविक वाले के लिए रोया जाए। अच्छा, सिविक होना लाजमी है, 70 बेच के सिविक ले चलें। थैंक यू, थैंक यू। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कैसे चाहती है कि लड़का आपको कैसे अप्रोच करे? आई थिंक अप्रोच करने के लिए उसकी लुक्स अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात है कि उसमें गट्स होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे बात डायरेक्ट बात कर सके। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है और गट वाला होना चाहिए कि एटलीस्ट बात कर सके आप। अच्छा, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लड़कियाँ वॉशरूम में ग्रुप में क्यों जाती हैं? लड़कियाँ वॉशरूम में ग्रुप में इसलिए जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बैग्स का ध्यान रख सकें, दूसरा टचअप की। तो बैग्स कैसे ध्यान रखें? हैंड बैग्स, वहाँ पे कैमरास तो नहीं होते ना, तो वहाँ पे चोरी वगैरह का भी इशू होता है और वैसे भी और भी थोड़े प्राइवेट मसले होते हैं। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिविक या 70? 70। क्यों 70 क्यों, सिविक क्यों नहीं? पर्सनालिटी मैटर करती है। अच्छा, तो सिविक आपको नहीं चाहिए? नहीं, 70 वाला चलेगा। सही, अच्छा है, चलो 70 वालों की कुछ किस्मत खुल गई है, नहीं तो सारी कहती हैं सिविक ही चाहिए हमें। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि पर्सनालिटी लुक्स मैटर करते हैं? हाँ जी, मतलब बेशक लड़का गरीब हो जैसा हो लेकिन पर्सनालिटी लुक्स हो। हाँ जी। अच्छा, सही हो गया, सीरियस क्वेश्चन के सीरियस आंसर हैं। तो अच्छा, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे आके कहे कि यार आप खूबसूरत लग रही हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? थप्पड़ मारूंगी। क्यों, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बियर्ड या शेव? बियर्ड। शेव वाले क्यों नहीं? शेव वाले छिले हुए आलू लगते हैं। छिले वाले और बियर्ड वाले? बियर्ड वाले हैंडसम लगते हैं। अच्छा, तो आपको बियर्ड वाला चाहिए, शेव वाला पसंद नहीं? जी। सही है, गुड है। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब लड़कियां गुस्सा होती हैं तो वो आई एम फाइन कहती हैं, मैं ठीक हूँ, ओके, तो उसका क्या मतलब होता है? एक तो ये मतलब होता है कि वो मतलब थोड़ी सी चाह रही होती है, अट्रैक्शन चाह रही होती है लड़कों से, केयर चाह रही होती हैं, और सेकंड ये कि गुस्से में होती हैं। अच्छा, तो जो आई एम फाइन होता है वो आई एम फाइन नहीं होता? आई एम फाइन नहीं होता। अच्छा, आई एम ओके, आई एम फाइन कुछ भी है, ठीक नहीं होता, इनके उल्टे मतलब ले लें आप। अच्छा, मतलब लड़कियाँ जो कहें उसको उल्टा मतलब लेना। हाँ, चले, सही है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि लड़कियाँ एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? एक जैसे मतलब किस तरह से? आप मतलब लड़कियाँ आप और आपकी दोस्त ने एक सेम कपड़े ले लिए तो क्या आप पहनेंगी या आप चेंज कराएंगी? नहीं, मैं तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि सबका जो है वेयरिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको कैरी करना डिफरेंट होता है, तो मुझे ये चीज़ मैटर नहीं करती ना, मैं किसी से जेलस होती हूँ स्पेशली कि उसने पहना हुआ तो मैं नहीं पहनूंगी, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी तरफ से 10 लड़कियाँ सेम पहने। अच्छा, नहीं ऐसा होता ना कोई लड़कियों को होता है कि उसने मेरे जैसे कपड़े पहन लिए, मैं अब चेंज कराऊँ कि मेरे और उसके सेम ना लगें, तो ऐसा आप में है या मतलब क्या? नहीं, मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है काफ़ी लोगों में लेकिन मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत मुझे इन चीज़ों से मसला नहीं होता, मेरी तरफ मैंने खुद पहना है, मुझे पता है कैसा लग रहा है, मुझे दूसरों का मैटर नहीं करता। अच्छा, मतलब लड़कियाँ होती हैं ऐसी कि जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है एक दूसरे कपड़े से? होती होंगी, ये मुझे नहीं आइडिया, जो होती हैं वो आपको बता देंगी। सही है, चल, सही है। तो चलें, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये है कि लड़कियाँ हमेशा यूँ क्यों कहते हैं इट्स ब्रांडेड, ये क्यों नहीं कहती लड़कों की तरह कि यार मैंने 150 की लंडे सिलाई है या मैं लंडे में गया था? लड़कियाँ हमेशा यूँ कहती हैं, कुछ लंडे से भी लाए तो कहती हैं यार ये ब्रांडेड है। ये मुझे नहीं आइडिया क्योंकि मैंने खुद कभी लंडे से लिया नहीं है, तो मैंने हमेशा ब्रांडेड ही पहना है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मैं कोई शो ऑफ नहीं करवा रही, तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब सबको अपना वो होता है कि इंटरेस्ट लेवल भी होता है, तो शायद कुछ लोगों को लंडे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिसका टाइम उनका बहुत अच्छा गुजर जाता है उसमें, लेकिन अब कुछ जो पहनते हैं ब्रांडेड पहनते हैं तो उनका भी एक मतलब किसी को शो ऑफ होता है, कुछ जगह पे शो ऑफ करवाते हैं बट कहीं पे शो ऑफ करवाना लाजमी नहीं होता कि। अच्छा, मतलब आप लंडे में कभी नहीं गई? नहीं, मैं कभी भी नहीं गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई डोंट गर्ल्स पे द बिल? बिकॉज दे डोंट हैव अ जॉब। अभी स्टिल आई डोंट हैव अ जॉब। नहीं, मतलब कुछ लड़कों के पास भी जॉब नहीं होती लेकिन बिल वो पे करते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं बिल पे करती? क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी होती है। तो ये जो बिल हैं वो किस में आते हैं, खाने पीना, ये इसके पैसे घर से नहीं मिलते क्या? नहीं, लड़के होते हैं ना वो जेंटलमैन होते हैं ना, तो लड़कों को बिल पे करना चाहिए। अच्छा, तो ये स्प्लिट करने के बारे में क्या ख्याल है कि आधा आधा कर लें? नहीं, मेरा बिल हमेशा लड़के ही पे करें। हाँ, मतलब आप कभी खुद बिल पे नहीं करेंगी?
जॉब अगर लगी फिर? जॉब लग गई तो मतलब नहीं, फिर भी नहीं। चले सही है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आइडियल फर्स्ट डेट क्या होगी आपकी? कैंडल लाइट डिनर। कहाँ पे? कोई ऐसी जगह, कोई कोई पहाड़ों पे, कोई बीच पे, कोई दरिया? पहाड़ों पे, जहाँ जिस तरह हमारे गांव ना पहाड़, हर जगह ग्रीनरी है, पहाड़ों में। अच्छी बात। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा वो ये है कि सिविक या 70? सिविक। सिविक क्यों? 70 वाले कहाँ जाएँ, मर जाए। मर जाए। सुन लिया, 70 वालों मर जाओ। तो 70 क्यों नहीं, मतलब अगर 70 वाला कोई हो, गुड लुकिंग हो, अच्छा हो, तो क्यों नहीं? वो नहीं, गुड लुकिंग कोई ना मैटर करता है, वैसे आजकल की लड़कियों के लिए पैसा मैटर करता है। और अगर सिविक वाला कोई अंकल टाइप का हो, काला चाचा इस तरह, तो फिर वो चलेगा? हाँ, लड़कियों को चलता है, मुझे नहीं चलेगा, लड़कियों को चलता है। मतलब सिविक ज़्यादा होनी चाहिए, लाजमी बात है। हाँ, आजकल आजकल सही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि सिविक या 70? सिविक। क्यों? बिकॉज बाइक पे बाल खराब होते हैं, मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता। और अगर महरान हुई तो चलेगी? चलेगी। अच्छा, मतलब गरीब लोगों को चांस है? ऑफ कोर्स, मैं गरीब या अमीर में फ़र्क नहीं करता। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा, मतलब लुक्स होने चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए? पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये बेहतर है। तो एक और क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि वाई डोंट यू टेक्स्ट फर्स्ट, मतलब लड़कियाँ क्यों नहीं पहले टेक्स्ट करती? पता नहीं, हमारी आदत नहीं है या क्या है, आई डोंट नो। अगर कोई पसंद करते हैं तो वो खुद अप्रोच कर लेगा। अच्छा, तो कभी ऐसा होगा कि लड़कियाँ पहले मैसेज करेंगी? हाँ, इफ दे आर अलॉट इनटू अ गाय, वो भी करती हैं, ऐसा नहीं है। सही है, अच्छी बात। तो एक और क्वेश्चन है आपसे कि आप कैसे चाहती हैं कि लड़का आपको कैसे अप्रोच करे? आके ही कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट बात कर सकते हैं? नहीं, मतलब आके हाँ, पहले सलाम दो, नॉट लाइक आई सॉ यू, आई लाइक यू, आई डोंट वांट दैट, लेकिन एक तरीके से आके बात करें तो। अच्छा। ऑफ कोर्स आप पहले बात करते हो, पसंद करते हो, एंड देन अगर कोई बात बनी, अगर नहीं तो स्टे फ्रेंड्स। सही है, थैंक यू।